नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान लेलो में। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे पीएचपी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पीएचपी की ब्लैंक फाइल ओपन कर ली है। इसमें मैं पीएचपी का टैग ओपन एंड से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं पीएचपी के टैग के अंदर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने लिखा डॉलर str नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने डाल दिया वेलकम टू आर चैनल ज्ञान ले लो। ठीक है फ्रेंड, देन सेमी कॉलन। अब हम एक एक करके सभी स्ट्रिंग के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा इको, मैं कुछ स्टार्स लगा देता हूँ ताकि कुछ अट्रैक्टिव दिख जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मल्टीपल स्टार लगा दिए, देन मैंने बैक स्लैश एन दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। मैं जो हमारी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देता हूँ पहले। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया एक्चुअल स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देन मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया एंड मैंने अपने स्ट्रिंग का नाम दे दिया str। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेमी कॉलन। अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है वेलकम टू आर चैनल ज्ञान ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब एक एक करके स्ट्रिंग के सभी फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम समझेंगे str alien फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा echo, देन मैंने लिखा डबल कोट्स ओपन, इसमें मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देन मैंने लगाया डॉट ऑपरेटर, फिर मैं लिखूंगा str len। ठीक है फ्रेंड, फिर मैं इसके पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और उसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, इसके पैरेंथेसिस में मुझे वो स्ट्रिंग पास करनी है जिसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मुझे करनी है str की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लिखूंगा डॉलर str की मुझे लेंथ बता दो। ठीक है फ्रेंड, देन सेमी कॉलन। मैं इसके आगे बैक स्लैश n दे देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारी 33 प्रिंट हो चुका है क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग थी वेलकम टू आर चैनल ज्ञान ले लो, इसमें 33 कैरेक्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम str लेंथ के बाद समझेंगे यूसी फर्स्ट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यूसी फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसका पहला जो अक्षर है, जो पहला लेटर है ना, उसको कैपिटल में कर देगा। अब मैं लिखूंगा इको। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया इन यूसी फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया, इसके बाद मैंने लिख दिया यूसी फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देन मैंने इसके ब्रैकेट में अपनी स्ट्रिंग जो है उसको पास कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेमी कॉलन। अब मैं इसके फ्रंट में भी बैक स्लैश एन दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा बैक स्लैश एन दो बार। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेव। अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रिंग थी उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे यूसी वर्ड्स फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको करा कॉपी, देन मैंने इसी के नीचे से पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यूसी फर्स्ट की जगह कर दिया यूसी वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इधर मैंने कर दिया यूसी वर्ड्स फंक्शन लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा यूसी वर्ड्स। यूसी वर्ड्स फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसके हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वेलकम का हमारा W, टू का हमारा T, R का O, चैनल का C, ज्ञान का G और लेलो का L कैपिटल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसका अगला फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो है टू अपर केस। टू अपर केस फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है ना उस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं नई लाइन में आया, मैंने लिखा इको देन डबल कोट्स ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, देन मैंने दो बैक स्लैश एन दे दिए ताकि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने लिखा इन अपर केस, अब मैंने लगाया डॉट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं लिखूंगा str टू अपर। ठीक है फ्रेंड्स, देन मैंने इसके ब्रैकेट ओपन करे एंड इसके ब्रैकेट में मैंने अपनी जो स्ट्रिंग है उसका नाम पास कर दिया। मैंने स्ट्रिंग पास कर दी इसमें, देन सेमी कॉलन। मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो पूरी कैपिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला फंक्शन डिस्कस करेंगे टू लोअर। ठीक है फ्रेंड्स, टू लोअर क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग थी ना उस पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसके न्यू लाइन में आया, मैंने लिखा इको देन मैंने डबल कोट्स ओपन करे, ठीक है, एंड से क्लोज करा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दो बैक स्लैश एन दे देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए, देन मैंने लिखा इन लोअर केस। अब मैं लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर, इसके बाद मैं लिखूंगा str टू लोअर, इसके ब्रैकेट में मैं अपनी स्ट्रिंग का नाम पास कर देता हूँ, तो मैंने लिखा डॉलर str देन सेमी कॉलन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो पूरी की पूरी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसके बाद अगला फंक्शन डिस्कस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो है एक्सप्लोड फंक्शन। एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सप्लोड फंक्शन हमेशा दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये लेता है डायगनल। डायगनल हमें ये बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना उसको कहाँ से ब्रेक करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वेलकम के बाद स्पेस है तो इसको यहाँ से करेगा,
फिर आर और टू को ब्रेक कर देगा, चैनल को ब्रेक कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेलकम इसका जीरो इंडेक्स पे चल जाएगा, यानी कि टू है जो वन इंडेक्स पे चल जाएगा, आर ए वो टू इंडेक्स पे चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारी एरे होती है ना पीएचपी में, उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ किया जाता है पीएचपी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपन इसका यूज़ करके देख लेते हैं। पहले मैं इको की मदद से दो बैक स्लैश एन दे देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं लिखूँगा प्रिंट आर। प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ एरे को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने लगा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि दो पैरामीटर लेता है, पहला डायगनल। डायगनल ये बताएगा कि कहाँ से इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन कॉमा लगाया, देन मैंने अपनी स्ट्रिंग है उसका नाम पास कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देन सेमीकॉलन। अब मैं इसका आपका आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारी एरे प्रिंट हो चुकी है। अब हम स्ट्रिंग का अगला फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो है रिप्लेस फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। एसटीआर रिप्लेस फंक्शन का यूज़ स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर वर्ड या कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मुझे वेलकम को रिप्लेस करना है मीट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं लिखूँगा इको देन डबल कोट्स ओपन एंड से क्लोज कर दिया। मैंने दो बैक स्लैश एन दे दिए ताकि न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। फिर मैंने लिखा एसटीआर रिप्लेस फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। मैंने लगाया डॉट ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने लगाया एसटीआर अंडरस्कोर रिप्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। एसटीआर रिप्लेस फंक्शन हमारे चार पैरामीटर लेता है, ठीक है। पहला पैरामीटर ये लेता है कि आपको स्ट्रिंग में से क्या रिप्लेस करना है। तो मेरे को इसमें से करना है वेलकम को रिप्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें डाल दूंगा डबल कोट्स के अंदर वेलकम। अब ये सेकंड पैरामीटर लेता है कि किससे रिप्लेस करना है आपको स्ट्रिंग, वेलकम की जगह क्या डालना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं लिख दूंगा मीट डालना भी मेरे को। तो अब ये थर्ड पैरामीटर ये लेता है कि कौन सी स्ट्रिंग में से जो आप चेंजेस करना चाहते हो, किस कौन सी स्ट्रिंग में से चेंजेस करना चाहते हो। तो मैंने लगाया भाई मेरे को तो एसटीआर में से चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चौथा पैरामीटर में आपको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें ये बताता है कि जो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन है ना, इसने कितनी बार रिप्लेस करा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया वी ए आर नाम का, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर हमारे चेंजेस हो चुके हैं, वेलकम की जगह मीट आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम रिप्लेस का नेक्स्ट फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है सब एसटीआर रिप्लेस। सब एसटीआर रिप्लेस भी चार पैरामीटर लेता है। पहला स्ट्रिंग का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। फिर दूसरा लेता है कि क्या रिप्लेस करना, मतलब उस स्ट्रिंग में क्या रिप्लेस करना है। फिर ये स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन लेता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट मेरी स्ट्रिंग है वेलकम टू आर्कवर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे को ज्ञान को अपडेट करना है, इसकी जगह मेरे को कैपिटल ज्ञान डालना है, पूरा कैपिटल आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं देखूंगा इसकी लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लिखा डॉलर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर मुझे ज्ञान की पोजीशन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं लिखूंगा एसटीआर पीओ। एसटीआर पोज फंक्शन क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग है ना, उसमें से पर्टिकुलर वर्ड या लेटर की पोजीशन हमें बताता है, ठीक है फ्रेंड। ये फंक्शन भी दो पैरामीटर लेता है, पहला स्ट्रिंग का नाम और दूसरा आपको किसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें लिख दिया डॉलर एसटीआर में से मुझे बताओ ज्ञान की पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने डबल कोट्स में ज्ञान डाल दिया। अब मुझे ज्ञान की लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कैपिटल ज्ञान भी फोर का होता है और ये भी फोर का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने डॉलर वाई बनाया, जिसमें मैंने डाल दिया एसटीआर लेन फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने लिख दिया ज्ञान। अब मुझे ये ज्ञान की लेंथ बता देगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने लिखा इको, देन मैंने डबल कोट्स ओपन करें एंड मैंने दो बैक स्लैश एन दे दिए इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं लिखूंगा सब एसटीआर रिप्लेस फंक्शन, देन मैंने लगाया डॉट ऑपरेटर। फिर मैं लिखूंगा सब एसटीआर अंडरस्कोर रिप्लेस। अब जो हमारा सब एसटीआर रिप्लेस फंक्शन है, वो भी चार पैरामीटर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ही लेता है स्ट्रिंग का नाम, तो मुझे किस में चेंजेस करना है, डॉलर एसटीआर। फिर ये लेता है क्या ना, जो हमारी रिप्लेस की जगह है ना हमारी, उधर क्या डालना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लिखा मेरे को उसकी जगह डालना है कैपिटल ज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड पैरामीटर लेता है कि स्टार्टिंग पोजीशन। तो मैंने ज्ञान की पोजीशन कैलकुलेट कर दी डॉलर एक्स में, जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ से रिप्लेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लिख दिया द डॉलर एक्स। अभी फोर्थ पैरामीटर लेता है इसकी एंडिंग पोजीशन। तो मुझे एंडिंग पोजीशन लेंथ से पता चलेगी, क्योंकि लेंथ हमें बता देगा कि इसमें कितने अक्षर है और मुझे कितने अक्षर ही अपडेट करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने डाल दिया डॉलर बाय देन सेमीकॉलन। अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रिंग था ना, जिसमें स्मॉल ज्ञान लिखा हुआ था, उसी जगह कैपिटल ज्ञान हो चुका है। ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।